अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्लास फोर इसकी मैथ की बुक है, मैथ स्किल फोर। इसका यूनिट नंबर वन है। यूनिट नंबर वन की एक्सरसाइज है 1E, पेज नंबर 15, यानी पेज नंबर 15 है बेटा। ये कंप्लीट इंशाल्लाह एक्सरसाइज करेंगे और साथ इसके MCQs भी सॉल्व किए जाएंगे। एक्सरसाइज करने से पहले एक चीज एक्सरसाइज से रिलेटेड समझ लें। इसमें कुछ रकमें होंगी जिनके दरमियान ये चीज़ें लिखी होंगी, यानी 35 डिवाइड 7, इसी तरह ही मल्टीप्लाई 2 प्लस 3 माइनस 1। थोड़ा सा इसको समझ लें। इसको सॉल्व करने के लिए अब देखें, अब इसमें डिवाइड का भी साइन है, मल्टीप्लाई का साइन भी है, प्लस का भी है और माइनस का भी है। तो यूज ऑफ मिक्स्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस, इसमें क्या होगा, पहले डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। यानी पहले डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस, फिर माइनस। इस रूल को आपने अपने माइंड में रख के ये एक्सरसाइज करनी है। यानी ये रूल आपके माइंड में होगा तो ये पूरी जो क्वेश्चन है बड़ा इजीली आपको सॉल्व किया जा सकता है। इसी एग्जांपल को हम पहले एग्जांपल थोड़ी सी इसके सॉल्व कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल है 49 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 2 माइनस 5 प्लस 8। स्टूडेंट इसमें एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो डिवाइड के राइट साइड वाली एक रकम और एक लेफ्ट साइड वाली, यानी ये दो रकमें, इनका आंसर आपने नीचे लगाना है। यानी आपने अब 7 का टेबल गिनना है कि 49 आ जाए, तो 7 7s are 49, तो इनका आंसर आपने नीचे लगाना है और जो बाकी की अमाउंट है इसको आपने ऐसे ही लिख देना है, इसको सॉल्व नहीं करना, इसी तरह ही आ जाएंगे माइनस 5 और प्लस 2। अब ये तो हमारा इसमें डिवीजन तो सॉल्व हो गया ना, यानी आपने डी मास रूल को अपने जहन में रखना है, पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर माइनस। तो अभी हमने जो सबसे पहले चीज़ सॉल्व की है वो बेटा डिवीजन सॉल्व की है ना, डिवाइड किया। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसके इस साइन के एक राइट साइड पर एक रकम और लेफ्ट साइड। 7 का टेबल 2 तक गिने तो आंसर आपका आता है 14, 7 2s are 14। इस तरह बेटा इसका आंसर अब 14 आ गया। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है उसको वैसे ही नीचे उतार ले। सबसे पहले हमने डिवीजन किया था, अब हमने मल्टीप्लिकेशन कर लिया, अब इनमें हम प्लस करेंगे। अच्छा ये तो रकम माइनस की है तो ये तो इसके साथ सॉल्व नहीं हो रही ना इसके साथ, तो अब क्या करेंगे, हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो प्लस वाली रकम है ना उनको पहले प्लस कर लें।
हाँ जी, प्लस 14 और प्लस 8, ये पहले प्लस की जा सकती हैं, ठीक है जी। तो इसका आंसर आ जाएगा 22। अब इसमें से माइनस 5 कर दें, 5 इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें। आपने अब एडिशन किया, अब आप करेंगे सब्ट्रैक्शन। अब 22 में से 7 निकाल दें, तो इसी तरह इसका आंसर आ जाएगा बेटा 17। ठीक है, पहले हमने क्या किया है, डिवाइड, फिर क्या किया, मल्टीप्लाई, उसके बाद एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। तो इस तरह बेटा ये इस रूल को माइंड रख के आपने करना है, एक्सरसाइज है 1E, इसका क्वेश्चन नंबर है 1। जी 14 प्लस 21 माइनस 2 प्लस 8। सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इसमें से हमने रफ वर्क में डी मास रूल बेटा ढूंढना है। यानी पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। पर इसमें तो डिवीजन है ही नहीं, तो फिर डिवीजन यहां से कट ऑफ हो गया, ये तो कट गया ना, डिवीजन है ही नहीं, डिवीजन नहीं इसमें है पूरे क्वेश्चन में, डिवीजन नहीं है। डिवीजन इसमें नहीं है, अब क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन को हम देखेंगे, तो मल्टीप्लिकेशन है इसमें, ज़रा देखें, तो मल्टीप्लिकेशन भी नहीं है, यानी पहले दोनों ही नहीं है, और पीछे का बचा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो फिर प्लस करने के बाद माइनस करेंगे। तो देखें जो जो प्लस वाली अमाउंट है वो कौन सी है, ये है प्लस, और इसकी एक राइट साइड पर है, एक लेफ्ट पे। तो बेटा सबसे पहले इन दोनों को आपने सॉल्व कर, ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लें, और यहाँ भी फिर माइनस के बाद ये भी अमाउंट दो, ये भी प्लस की है, ठीक है, बल्कि ये माइनस का 2 है। अब ये 3 अमाउंट प्लस की हैं, अब क्या करें, तीनों अमाउंट्स को नीचे उतार दें, दोबारा ये रकम लिखने लगा हूँ, 14 प्लस 21 माइनस 2 प्लस 8। अब इसमें क्या करेंगे, जो प्लस की अमाउंट है ना उनको आपने नीचे उतारना है, यानी ये वाली भी नीचे आएगी, ये वाली भी आएगी और ये वाली भी, ये तीनों ही नीचे आ जाएंगे, यानी आपका आ जाएगा 14 के पहले प्लस लगा लें, फिर 21, फिर प्लस 8। अब माइनस का 2 आपने बाद में लगाना है, क्योंकि ये तीनों प्लस की, इन तीनों को आपने पहले प्लस कर लेना है, ठीक है जी। तो इन तीनों को प्लस आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 43। इसमें जब माइनस कर दें 2, तो स्टूडेंट आपका आंसर आ जाएगा 41। तो इसके सामने प्लस लगाने की ज़रूरत नहीं है, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का ही होता है, लगा ले फिर भी ठीक है। इसी तरह बेटा क्वेश्चन नंबर 2 इसका करने लगे हैं एक्सरसाइज का। अब इसके अमाउंट है 13 माइनस 5 प्लस 8 डिवाइड 2।
अब सबसे पहले डिवीजन ही सॉल्व होनी है, यानी सबसे पहले ये डिवीजन के राइट साइड वाली और लेफ्ट साइड वाली ये रकम आपने वो डिमास रूल अपने माइंड में फिर बना लेना है कि डिमास रूल है क्या था। तो डिमास रूल क्या था बेटा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर माइनस। हाँ जी, अब सबसे पहले इसको यानी ये डिवाइड करेंगे आप 2 और 8, हाँ जी 2 को बाहर रख लें और 8, 2 4 ज़ार 8, तो आपका आंसर बेटा क्या आ गया 4, इन दोनों का आंसर 4 आ गया। ये तो सॉल्व नहीं ना ही, इसको ऐसे ही नीचे उतार लें, इन दोनों का आंसर जो आया है वो इससे पहले लगा लें। अब बेटा डिवीजन तो आपका सॉल्व हो गया, अब क्या सॉल्व करना है इसमें से, मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन तो है ही नहीं जी, तो इसके बाद अगर मल्टीप्लिकेशन नहीं है तो फिर क्या करेंगे जी, शाबाश, एडिशन, तो प्लस करेंगे। अब प्लस की यहाँ पे जो अमाउंट आ रही है बेटा वो दो हैं, एक ये रकम प्लस की है और एक ये रकम, इन दोनों को इकट्ठा करें, यानी प्लस 13 और प्लस 4। अब इसमें से आपने माइनस करना है 5, पहले इन दोनों को प्लस कर लेंगे आप, तो आपका आंसर आ जाएगा प्लस 17, इसमें से आप माइनस कर देंगे बेटा 5, तो आंसर आपका आ जाएगा 12। ठीक है, यानी आपने 17 में से माइनस किया 5, 7 में से 5 कट के आने 2, और जो बेटा 1 है वो नीचे आपका आ जाएगा। तो ये कट हुआ, तो इस तरह ये बेटा इसका आंसर कहलाएगा। स्टूडेंट आप क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की जो अमाउंट है वो है 28 डिवाइड 7 माइनस 10 प्लस 19। ठीक है जी, रूल वही आपने अपने माइंड में रखना है, पहले डिवीजन है, फिर बेटा मल्टीप्लिकेशन है, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन, यानी पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर माइनस, यही रूल आपने अपने माइंड में रखना। तो बेटा अब सबसे पहले इन दोनों को आपने डिवाइड कर देना, 7 को बाहर रख लें और 28 को अंदर, 7 का टेबल गिने के 28 आ जाए जी, 7 4 ज़ार 28, तो बेटा इसका आंसर आ गया 4, इन दोनों का आंसर आया 4, बाकी की अमाउंट ऐसे ही लिख लें। डिवीजन आपका सॉल्व हो गया, माइनस 10 प्लस 19। अब नेक्स्ट अमाउंट बेटा देखें, नेक्स्ट आपने सॉल्व करना मल्टीप्लाई, वो तो है ही नहीं, तो फिर क्या करें, अब करेंगे आप एडिशन, तो एडिशन में ये प्लस का 4 है, ये प्लस का 19 है, बेटा इन दोनों को प्लस कर लें, यानी प्लस 4 प्लस 19 को लिखने के बाद इनको प्लस कर लें, प्लस करके इनका आंसर आ जाएगा 23। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें, ये एडिशन भी हो गया, अब सब्ट्रैक्ट कर दें 10, यानी 10 को इसमें से काट दें,
तो आपका आंसर आ जाएगा 13। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट्स, (91)/(13+4)-11। जी बेटा फार्मूला वही आएगा, पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। जी तो सबसे पहले ये दो डिवीजन के जो भी साइन आपने सॉल्व करना है उसके राइट और लेफ्ट पे अमाउंट देखनी है। राइट पे ये 13 है, लेफ्ट पे ये है। तो बेटा 13 का आपने टेबल कितना है कि 91 आ जाए। अब 13 को हम क्या करते हैं, 7 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है जी। 7 3 21 का 1 लगा, 2 कैरी चला गया, 7 1 7 और 2 प्लस किया तो 91। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, 13 7 आर 91। तो इस तरह इन दोनों का आंसर जो है वो आ गया अकॉर्डिंग टू द डिवीजन, आपका 7 आंसर आ गया इन दोनों का। अब आपने सॉल्व करना है मल्टीप्लिकेशन, तो देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई का है कोई साइन लगा हुआ है इस क्वेश्चन के अंदर? नहीं है, तो फिर ये सॉल्व नहीं होगा ना। इसका नेक्स्ट स्टेप है एडिशन, अब प्लस करना है जी। पहले ये जो रिमेनिंग अमाउंट है वो लिख लेते हैं हम, 7 इसके बाद +4 -11। अब ये भी बेटा प्लस क्या है और ये भी प्लस क्या है, तो फिर इसमें प्लस होगा अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन भी नहीं हुआ, डिवीजन हमारा हो गया, मल्टीप्लिकेशन नहीं हुआ, अब एडिशन होने जा रहा है, इसके बाद सब्ट्रैक्शन। तो अकॉर्डिंग टू एडिशन यहाँ पे इन दोनों को हम प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा +11। अब उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 को, यानी ये वाले जो माइनस के साइन के साथ आता है। तो बेटा जब ये दोनों माइनस हो जाएंगे तो फिर आपका आंसर आ जाएगा 0। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की जो अमाउंट है वो है 21(3+7)-2)-5। जी स्टूडेंट्स, रूल अपने माइंड में रख लें, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ये रूल अपने माइंड में रख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड का साइन आपने तलाश कर लिया, अब ये डिवाइड होंगे ना, 3 का टेबल गिने का 7 आ जाए, यानी 21 आ जाए, 3 7s are 21। और बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट ऐसे लिख लें, डियर स्टूडेंट्स अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने डिवाइड कर लिया यानी डिवीजन तो आपका हो गया, अब आप क्या करने लगे मल्टीप्लिकेशन। तो अब जो मल्टीप्लाई का एक राइट साइड पे अमाउंट है एक लेफ्ट पे, यानी 2 का टेबल यहां तक आपने गिनना है, ये मल्टीप्लिकेशन फिर सॉल्व हो जाएगा ना आपका, बाकी रिमेनिंग अमाउंट वैसे ही लिखेंगे। अब 7 2s are 14 -5 को ऐसे ही लिख लें। अब ये दोनों प्लस की अमाउंट से इन दोनों को प्लस कर लें, दोनों को प्लस कर लें, 14 में 7 प्लस कर दें 21 आ गया आपका आंसर।
इसमें से आप सब्ट्रैक्ट कर दें 5, तो आपका आंसर आ जाएगा 16। प्लस का साइन यहाँ पे लिखना है तो लिख लें, अदरवाइज जिसके साथ कोई सिंबल नहीं यहाँ पे पहले आता वो प्लस का ही होता है। तो इसका मतलब है कि 16 जो है ये इसका आंसर है। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 6 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, अमाउंट है आपकी 14 डिवाइड 14। जो अब सॉल्व होंगे ना, अब उनको मैं ब्लू कलर से लिखने लगा इस क्वेश्चन में, ताकि फाइनली एक बार आपकी रिवीजन भी इसमें हो जाए। अब इन दोनों को पहले, क्योंकि ये डिवीजन के मेथड के साथ है तो इनको हम सॉल्व करेंगे। अब जो डिवीजन के मेथड के साथ नहीं है उसको वैसे ही मैं लिख दूंगा, 2 × 5 − 9। जी स्टूडेंट, इन दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे, यानी 14 को बाहर रखा 14 को अंदर रखा, टेबल गिना 14 × 1 = 14, तो आपका आंसर आ गया 1। बाकी जो रिमेनिंग अमाउंट है ऐसे ही नीचे लिख लें, ये भी अब प्लस का आ गया। जी डिमास रूल का माइंड में आपने रखना है, आपकी डिवीजन हो गया, अब आपकी मल्टीप्लिकेशन, तो मल्टीप्लिकेशन आप सॉल्व करेंगे इधर, मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, ये मल्टीप्लिकेशन है। अब मल्टीप्लिकेशन में आपने इसको, अब हम ब्लू कर देते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन की ये 2 अमाउंट है, यानी ये 2 मल्टीप्लिकेशन है। अब आपने बाकी जो मल्टीप्लिकेशन नहीं उसको तो ऐसे ही लिख देना, तो जो मल्टीप्लाई के 7 आंसर आएगा उसको दरमियान में लिख लें, यानी 2 × 5 = + 10 आ गया ना। अब ये मल्टीप्लाई भी बेटा सॉल्व हो गया। अब एडिशन करेंगे, तो एडिशन में अब आपकी ये दोनों रकमें ब्लू हो जाएंगी, एडिशन इन दोनों को प्लस कर लें। प्लस 11, अब इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट आपने कर देना है 9 को ना, 9 को आपने काट देना, तो जो आपकी रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 2, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह ये देखें, एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया आपका। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इसके अमाउंट है 2 + 15 − 56 / 7 + 21। जी स्टूडेंट्स, ये इसके अमाउंट है क्वेश्चन में, इसका रूल आपने यही याद रखने, द मास रूल है, पहले डिवीजन फिर मल्टीप्लिकेशन फिर एडिशन और फिर सब्ट्रैक्शन। पहले तकसीम आपने करना है, फिर आपने ज़रब देनी है, फिर आपने जमा करना है, और उसके बाद आपने माइनस करना है। जी स्टूडेंट, अब सबसे पहले आपने डिवाइड करना है, तो इस क्वेश्चन में डिवीजन को आपने देखना है कि कैसे, तो ये 2 चीज़ें आपने डिवाइड में, ये मैं ब्रैकेट लगाने लगा, यानी 2 + 15 − अब इस 7 का टेबल गिने के 56 है, 7 × 8 = 8, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वैसे ही आप लिख लेंगे। अब प्लस वाली अमाउंट, प्लस 2
प्लस 15 और प्लस 25, क्योंकि मल्टीप्लाई तो इसमें है ही नहीं, और जो माइनस वाली है वो मैं लास्ट पे अब लिखने लगूँ। माइनस 8 बेटा लास्ट पे चली जाएगी ना, अब इन तीनों को आप प्लस कर लें। तो जब तीनों को प्लस करेंगे तो प्लस 38, इसमें से आप अब सब्ट्रैक्ट कर लें 8 को, तो आपका आंसर आ जाएगा 30। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन है इसमें 1 minus 21 divide 21 multiply 17 plus 25। रूल उसमें वही आएगा डिमास, यानी पहले डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन और लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो बेटा पहले डिवीजन आपका आ गया ना, इसमें सब फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिवाइड कर लिया, 1 तो ऐसे ही आ जाएगा। अब इन दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि 21 से काट गया तो आंसर आ गया 1, और ये माइनस का साइन है तो -1। तो फिर जो रिमेनिंग अमाउंट है वो वैसे ही आप नीचे उतार लें। अब इसमें बेटा मल्टीप्लाई करना है, तो पहले तो आपने इसको सॉल्व किया, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। प्लस 1 और माइनस का साइन इसी तरह आएगा, 17 ones are 17 प्लस 21। ये बेटा अब प्लस की एक प्लस 1 है और प्लस 25 है, और माइनस का जो 70 है वो पीछे लिख लें। हम इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो प्लस 26, इसमें से अब सब्ट्रैक्ट कर दें 70, तो आपके रिमेनिंग अमाउंट आ जाएगी प्लस का 9। स्टूडेंट क्वेश्चन है 3 plus 13 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 1 माइनस 18। हाँ जी, रूल आपने माइंड में रखना है इसका। सबसे पहले आपकी डिवीजन है, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। तो बेटा सबसे पहले आपने इसको डिवाइड करना है, बाकी अमाउंट ऐसे ही लिख लें। 3 ये प्लस का हो गया, प्लस 13 मल्टीप्लाई, अब ये 3 ones are 3 फिर माइनस 18। अब बेटा मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें। जी प्लस 39, 3 threes are 9 3 ones are 3 आ जाएगा, अगर माइनस 18, तो ये दोनों प्लस किए, पहले भी इनको प्लस कर दें, तो प्लस 42, इसमें से माइनस कर दें 18, आंसर आ गया प्लस 24, ये आपका आंसर आ गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स, 120 डिवाइड 15 माइनस 15 प्लस 19 प्लस 1। रूल आपने वही अपना रखना है, डीमास रूल। तो सबसे पहले बेटा यहाँ पे डिवीजन होगा, यानी इसको इस पे डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के लिए 15 बाहर आएगा, 120 अंदर। अब 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 120 आ जाए, तो 15 8 5 40 0 लगा 4 कैरी, 8 1 0 8 प्लस करें 4 12। अब इन दोनों का आंसर आ गया 8। अब माइनस 15 प्लस 19 प्लस 1। अब इसमें ये तो आ गया था डिवीजन, पर मल्टीप्लिकेशन बेटा नहीं है। इसी तरह यहाँ पे आप एडिशन, एडिशन वाली जितनी अमाउंट है आप इकट्ठी कर लें, यानी प्लस का 8 प्लस का 19 प्लस का 1 और 15 को लास्ट पे लिख लें, इन सब को प्लस कर लेते हैं। 19 में प्लस किया 1 तो ये 20 हो गया, इसमें प्लस किया 8 तो बेटा ये 28 हो गया। अब प्लस का 28 इसमें से अब माइनस कर दें 15, तो आपका आंसर आ जाएगा 28 में से माइनस करें 15, यानी 5 में से 8 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें 3, 2 में से 1 काटें बाकी 1, प्लस का ये साइन आ गया प्लस 13, और जिसके साथ कोई साइन नहीं वो प्लस का ही होता है। जी स्टूडेंट्स, इस तरह पेज नंबर 15 पे अभी जो हम एक्सरसाइज सॉल्व करने जा रहे हैं, जी टिक द करेक्ट आंसर, द आंसर ऑफ 5 डिवाइड 5 माइनस 2 प्लस 5 इज, इसका इसको सॉल्व करके इसका आंसर बेटा आता है, यानी जो इसकी अमाउंट है वो है 5 डिवाइड 5 माइनस 2 प्लस 5। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम जब हम सॉल्व करेंगे तो 5 को 5 पे आप डिवाइड कर दें तो आंसर आएगा 1, अब माइनस 2 और प्लस 5 को ऐसे ही लिखना, ये भी प्लस का, अब प्लस का 1 और प्लस का 5 इकट्ठा कर लें तो ये आ जाएगा प्लस 6, इसमें से अब 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 4, तो इनमें से इसका आंसर है 4। जी बेटा, नेक्स्ट इसका एमसीक्यूज है, इन ऑर्डर टू सॉल्व अ क्वेश्चन इन्वॉल्विंग मिक्स्ड मैथमेटिकल ऑपरेशंस दैट ऑपरेशंस इज डन फर्स्ट। ठीक है, जब हमने डीमास रूल करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, आपने प्लस करना है, माइनस करना है, डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई, यानी एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, डिवीजन है,
और मल्टीप्लिकेशन है। तो बेटा हमने जब रूल लिखा था तो रूल में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिवीजन, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सॉरी एडिशन और एंड पर सब्ट्रैक्शन। पहले हमने डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर प्लस और एंड पर माइनस। तो सबसे पहले आपने डिवाइड, यानी इसमें सबसे पहले डिवीजन सॉल्व होगा। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इसकी अमाउंट है 4500 मल्टीप्लाई 100। तो ये बेटा की मल्टीप्लाई करके इसका आंसर सॉल्व लेके आना है, यानी 4500 इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। अब 00R0, 00R0, 05R0 और 04R0 मल्टीप्लाई, फिर 00R0, 00R0, 05R0 और 04R0 इसी तरह 10R0, 10R0, 15R5, 14R4 स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 00005 and 4। तो ये इसका आंसर है। स्टूडेंट अब नेक्स्ट लिखा हुआ है 437/19, यानी अब आपने 19 को डिवाइड करना है, 19 का आपने टेबल गिनना है कि 437 आ जाए, ठीक है। इसी तरह आप करेंगे, यानी पहले 19 को बाहर, 437 को आपने रख लिया अंदर। अब आपने पहले 19 का टेबल लिख लें, 19 ones are 19। इस तरह बेटा 19 2s are 38, 19 3s are 57, 19 4s are 76, 19 5s are 95। इस तरह टेबल लिख लिया। अब बेटा इसकी तलाश करते हैं, ये एक अमाउंट है 4, तो 19 1s are 19 है, तो ये तो 4 तो छोटी अमाउंट है, एक और अमाउंट लगा लें 43। अब 19 का टेबल गिने के 43 आ रही, 19 1s are 19, 19 2s are 38, और ये तो इससे बड़ा हो गया ना 43 से, तो 2s are आ जाएगा यहाँ पे 38। अब 43 में से 38 आप सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 आ गया रिमेनिंग अमाउंट, और 7 नीचे। अब तलाश करें 19 के टेबल में कि 57 आ जाए, तो 19 बेटा 3s are 57। तो इस तरह इस MCQ का आंसर आ गया 23। इस तरह बेटा ये MCQs है, 1 + 11 - 22 / 22 = इस तरह लिखा हुआ है ना। तो जब आपने इसको एक क्वेश्चन की शक्ल में सॉल्व करना है तो इस तरह करना है, 1 + 11 - 22 / 22
बेटा पहले इसको इस पे डिवाइड कर देना, इस 1 11 अब माइनस तो इधर ही रहा, तो 22 को 22 पे डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब बेटा इन दोनों को प्लस किया, 11 और 1 को, ये प्लस 12 हो गया, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दें 1 को। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।